हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज है सावन का पहला सोमवार और हम सब हैं अपनी दीदी के यहाँ। कल संडे शाम को ही हम लोग आ गए थे और यहाँ पे ना फूल पत्ती की तो भरमार है। भगवान की कृपा इतनी ज़्यादा है कि हर जगह एकदम बाग बगीचा लगा के रखा हुआ है। एक छोटे से गमले से मैंने तोड़े कुछ बेलपत्र, क्योंकि बहुत सारे बेलपत्र कटे हुए हैं, कीड़े लग जाते हैं ना इस महीने, इस वजह से। तो सुंदर से बेलपत्र तोड़ने के बाद उनका हमने तोड़ा डंठल, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को डंठल वाला जो बेलपत्र है ना वो पसंद नहीं है और ना ही चढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से दूध दही घी शहद शक्कर के साथ हमने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, पूजा किया। कहते हैं ना, पूजा में सामग्री भले ही थोड़ी हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, लेकिन मन ना पूरा होना चाहिए। तो जो भी आप पूजा करें तो वो पूरे मन के साथ करनी चाहिए, वही पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भाई हमने भी ऊपर भगवान भोलेनाथ की सोमवार की पूजा की और कई लोगों का व्रत भी है। वैसे तो आज रुद्राभिषेक है तो व्रत पूरा दिन रहेगा, शाम को सब लोग भोजन करेंगे। नीचे ऊपर की पूजा करने के बाद हम नीचे आए तो भैया भी कुर्ता पैजामा पहन के तैयार हो गया था, क्योंकि भाई सबको इंतजार है ना कि आज हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होने, और सब इसीलिए इकट्ठे हुए थे। नीचे आके ठाकुर जी की हमने आरती पूजा की, क्योंकि भाई वो तो हमारा डेली रूटीन है ना। काम कुछ भी हो, कहीं भी आना जाना हो, तो जो दिन की शुरुआत होती है वो भगवान की आरती पूजा के साथ ही होती है। और जब ऐसे हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पूछो ही मत, पूरा दिन बहुत ही पॉजिटिव से भरा हुआ निकल जाता है। तो फाइनली ठाकुर जी की हमने आरती पूजा कर ली और आप लोग कीजिए हमारे ठाकुर जी के दर्शन। तो इन्हें मैं लगा देती हूँ इत्र और आज सावन का पहला सोमवार, तो बढ़िया हरे हरे से कपड़े पहना के तैयार कर दिए, क्योंकि ठाकुर जी को ना हरे वस्त्र भी बहुत पसंद है। सारे कलर ही उनको पसंद है, बस आप जैसा आपका मन करे ना वैसे आप उनकी सेवा करें। फिर पी लेते हैं गर्मा जी। बहुत समय से आ गए थे, हालांकि उन्हें दूर से आना था, लेकिन तब भी 7:30 बजे आ गए थे। फिर उन्होंने अपनी पूजा की व्यवस्था करना शुरू किया और हमने भी चंदन घिसना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी बेलपत्री में राम नाम लिखना होता है। और यहाँ पे पंडित जी ने मिट्टी तैयार की, क्योंकि इसे छान पीस के पहले से ही दीदी ने रखा था, ये बांबी की मिट्टी है, ताकि इसमें कोई भी कंकड़ वगैरह नहीं होते हैं, बहुत चिकनी मिट्टी होती है। और अब सबसे जरूरी काम कर लेते हैं बंधनवार बांधने का, क्योंकि किसी भी देवी देवता को बाहर से अगर वो गुजर गए तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि भाई इस घर में पूजा हो रही है। तो इस वजह से बंधनवार बांध लेते हैं, ताकि सबको पता हो कि हमारे घर में पूजा, और इससे बांधना शुभ भी बहुत होता है। इस तरीके से बंधनवार बन के तैयार हो गया और फिर हम भी राम नाम लिखने लग गए बेलपत्री में। बड़ी सी बेलपत्री उठाई, उसमें बड़ा बड़ा सा राम नाम लिखा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे इस तरीके की पूजा होती है कि नहीं। वैसे होती होगी, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है इस विधि से होती है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा। फिर भैया, सहेली, मैं और ललित भैया, हम सब लोगों ने बैठ के बेलपत्री में राम नाम लिखा। दादी आ गई थी, अम्मा, तो उन्होंने भी बेलपत्री में राम नाम लिखा। उनसे हमने कहा आप केवल ना बेलपत्री में चंदन लगा दीजिए तो राम का नाम लिख जाएगा। और अब शुरू हो गई पंडित जी की पूजा। ओम नमः सोम विष्णुवे शावितुमः शावरुद्धनाय चतुर्ण पवित्रे सूर्यशरस्वती दशते पवित्रपदे पवित्रपूतशयतामः पुने कच्छके अम्मा पवित्री धारणं कुर्यात्। तीन बार गंगा जी का स्मरण करें, गंगा देवते नमः। पूजा की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और अब पंडित जी ने ललित भैया को बैठा के पूजन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि आज की पूजा में उसे ही बैठना है। और इधर हम लोग सब शिवलिंग बनाने लगे। 1150 की संख्या है शिवलिंग की, तो सब लोग मिल बांट के बनाएंगे और बीच बीच में ना अपने काम भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना लगभग सारे शिवलिंग बन के तैयार हो गए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए तो ये भैया और किशन पंडित जी ये लोग बनाएंगे, और तब तक हम किचन में बना लेते हैं कुछ भोग प्रसाद।
क्योंकि पूजा के तुरंत बाद ही सबको भोजन चाहिए, जो टाइम मिलता है ना उसी में धीरे धीरे से बारी बारी से सब लोग आकर के भोजन बनाते रहते हैं। तो अभी तो मैं छौंक देती हूँ आलू बैंगन टमाटर की सब्जी, और इसके बाद पनीर भी बनेगा, खीर भी बनेगी, पूड़ी कचौड़ी चावल ये सारी चीजें बनेंगी। तो इसमें टाइम तो लगता ही है, इसलिए सब बारी बारी से जिसको जैसे टाइम मिलता है तो हम ये काम कर लेते हैं। और अब शुरू हो गया रुद्राभिषेक की पूजा। मानवासी पर्वस्य स्तंभ सर्जनीशो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन्मासि वरुणस्य ऋतसदन्मासि गंगा सरस्वतीपुंगसस्यायो वयोस्नानतरणेषु धर्मे सुख शांति प्राप्ति होगी। घृत से स्नान कराने से मान सम्मान यश प्रतिष्ठा ख्याति की प्राप्ति होगी। मधु अर्थात शहद से स्नान कराने से स्वस्थता आरोग्यता और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। शर्करा से या गन्ने के रस से स्नान कराने से व्यापार में कृषि व्यवसाय में सर्विस में और जो भी जीव कार्य में उत्कर्ष लाभ होता है धन धान की वृद्धि प्राप्ति होती है। और पांचों आत्मकर्तव्यों को मिलाकर यदि पंचामृत से स्नान करावे तो सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध और सफल मनवांछित फल की प्राप्ति होती है पंचामृत से स्नान। ॐ सरस्वतीमतं पञ्चामृतमयान् जयतामुदस्तात्मकानां महादेव की महादेव की महिमा ही बनी उस कठोर फल को स्वीकार करते किसी देवता में भाग नहीं चलती लगी। ओम नमः शिवाय। ओम स्थानवे नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम भीमाय नमः। ओम प्रवराय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम बलाय नमः। ओम सर्वात्मने नमः। अर्चन और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूरा हुआ तो अब पंडित जी कराएंगे हवन। तो हवन के लिए व्यवस्था आंगन में है, क्योंकि जो भी धुआं है ना वो ऊपर निकल जाता है और पूरे घर में भी आ जाता है। और तो इस तरीके से आंगन में अब हवन होगा। तो सब लोग बैठ गए हैं, अड़ोस पड़ोस से भी एक दो लोग को बुलाया, वो लोग भी आकर के हवन में शामिल हो गए हैं। क्योंकि भाई आप किसी को बुलाते हो तो वो आपकी पूरी पूजा में तो शामिल नहीं हो सकता है, वो तो अपने टाइम पे ही आएगा। तो इस तरीके से हम सब बैठ गए हवन में। और आज का जो ये हवन है ये रुद्राभिषेक का हवन है। तो हवन की भी एक विधि होती है कि हवन उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसने भोजन ना किया हो। अगर आपने भोजन कर लिया है तो आपको हवन नहीं करना चाहिए, और इसका कहते हैं ना दोष लगता है। तो हम लोग तो वैसे भी व्रत में हैं, और हो सकता है कि आज सोमवार है तो बाकी लोग भी व्रत में होंगे, तो इस बारे की जानकारी मुझे नहीं है। पर अब पार्वती मैया की जय। ओम सिंदूर नीचा। अब पार्वती जी ने जो सौभाग्य देवी, हम पार्वती जी ने सिंदूर चढ़ाओ।
पानी में लीजिए सब सामग्री, पार्वती जी ने 5 बार स्पर्श कराया है। आरती के लिए खड़े जलिए नहीं आराम से आरती लीजिए, 3 बार आरती लेना, सारी चीज रख दीजिए अपने स्थान। पूजा होने के बाद सबसे लास्ट का जो काम होता है वो प्रसाद वितरण का, तो पंडित जी फटाफट प्रसाद लगा रहे थे और हमें लग रहा था कितनी जल्दी हमें मिल जाए तो हम बस खाने ही लग जाए, क्योंकि आज सुबह ना सुबह से ही काम पे लगे हुए थे, भगवान की पूजा में लगे हुए थे। जैसे ही प्रसाद मिला सबसे पहले पंखे के सामने बैठ के हमने प्रसाद खाया, हमने कहा बाद में जो कुछ होगा होता रहेगा। अब एक साथ सामूहिक संकल्प बोल रहे हैं, ये कागज लगा, गुरु शंकर भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम मंत्रार्था सफलासन पूर्णासन मनोरथा कर। बहुत ही हंसी खुशी के साथ ये सारी पूजा संपन्न हुई और अब जिया जी ने सबको दक्षिणा दी, पंडित जी को दक्षिणा दे के विदाई किया, सबने उनके पैर छुए और अब पंडित जी जाएंगे अपने घर। सबको हमने भोजन करवा दिया था, मतलब सब लोग जाते थे पंडित जी के साथ ही बैठ के सब लोगों ने भोजन किया था। लास्ट में मैं और दीदी ही रह गए थे तो हमने दोनों बहनों ने बैठ के एक साथ भोजन किया, क्योंकि हमें भी घर निकलना है, पापा घर पे इंतजार कर रहे होंगे, हम लोग कल के निकले हुए हैं। तो मैंने और दीदी ने भोजन किया और ये था आज का हमारा भोग प्रसाद। तो वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकल लिए और ये है लक्ष्मी बाई चौराहा हमीरपुर, तो यहाँ से होते हुए हम जाएंगे अपने घर। हरे कृष्णा राधे राधे।